आपका कहना है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाना चाहिए कश्मीर में, यहाँ पे प्रमोट किया जाना चाहिए, किस तरह से करेंगे? नहीं, मैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भारत में आना चाहिए, हर स्टेट में आना चाहिए, और इंक्लूडिंग जो टूरिज्म का दृष्टिकोण से श्रीनगर हो, जम्मू कश्मीर हो, एक स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस भी है। अभी मैं बताना चाहता हूँ, इस साल जम्मू कश्मीर का जीडीपी जो है 7% टूरिज्म से आया, इसको 15% ले जाना चाहिए, और आ सकते हो तो आने वाले दिन में जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू में 20% जीडीपी टूरिज्म के द्वारा होना चाहिए। अगर होना है, इतने बड़े पोटेंशियल है जम्मू कश्मीर, इतने बड़े डिस्टिनेशन है, इसको विकास करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ाना चाहिए, लोगों को, लोकल लोगों को रोजगार देना चाहिए, इसके लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है। आज पहली बार बहुत लोग श्रीनगर आए हैं, इसका श्रीनगर का जो अच्छे एक ब्यूटीफुल सिटी, जो फैसिलिटीज है, टूरिज्म विकास हो सकता है, वो लोग देख रहे हैं। मैं पूरा विश्वास करता हूँ आने वाले दिन में जम्मू कश्मीर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्ट हुए, जैसे बोले ट्रेन भी आने वाला है, हम ट्रेन का काम भी कर रहे हैं, जोजिला टनल लगभग 5,000 करोड़ से जोजिला टनल हम पुलवामा के से जम्मू कश्मीर को कनेक्टिविटी हम कर रहे हैं, ऐसी नेशनल हाईवेज कर रहे हैं, ट्रेन का फैसिलिटीज जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे बड़ा हाइट जो पिलर डाल के जो ट्रेन लाइन डाले हैं, ईपल टावर से ज़्यादा बड़ा पिलर, दुनिया में सबसे बड़ा पिलर आज जम्मू कश्मीर में हम डाले, कितना मेहनत करे आप समझना चाहिए, एक ट्रेन डालने के लिए कितना पैसा भारत सरकार जम्मू कश्मीर में कैसा खर्च कर रहे, एक एग्जांपल वो चाहते हैं। अलग अलग टनल से एक्टिविटी, ट्रेन जाने के लिए टनल एक्टिविटी हम कर रहे हैं, जोजिला टनल साउथ ईस्ट एशिया में बहुत बड़ा टनल होगा, 15 किलोमीटर से बड़ा टनल का काम आज जम्मू कश्मीर में है। इसलिए मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय पर भी, क्योंकि टूरिज्म बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट आना है, लोगों को रोजगार मिलना है, इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होगा, ऐसा एयरपोर्ट से लेके अलग अलग नेशनल हाईवेज तक हम जरूर इस विषय पर पूरा डेडिकेशन के साथ हम काम करेंगे।